जी हाँ दोस्तों, आज के मैच को लेकर बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे वर्ल्ड कप मैच में यशस्वी ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर हरा दिया और आखिरकार भारत फाइनल में पहुंच चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान U19 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच हुआ आज और इस मैच के लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स भी हमने आपको बताए थे। अभी आपको बताएंगे दोस्तों इस मैच के संपूर्ण हाइलाइट्स। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच में भारत की जीत से वाकई में खुश हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी कभी फटाफट से लाइक कर दीजिए और हम आपको बता देते हैं फटाफट से इस मैच के कुछ खास पॉइंट्स। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की युवा टीम के बीच ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच आज खेला गया और इस मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम के कप्तान रोहेल नजीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी मैच में खासी पकड़ रखी और भारत ने पाकिस्तान को 172 रन पर समेट दिया। इसके जवाब में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने 35.2 ओवर में जीत के लिए जरूरी 173 रन के टारगेट को पूरा कर दिया। भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार खेल दिखाते हुए बिना कोई विकेट खोए जीत का लक्ष्य हासिल किया। सबसे अच्छी बात देखिए दोस्तों, बिना कोई विकेट खोए, यहां तक कि दोस्तों यशस्वी ने छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया और दोस्तों इसी छक्के ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया को जीत दिलाकर आखिरकार फाइनल में जगह दे दी है। भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार खेल दिखाते हुए बिना कोई विकेट खोए जीत का लक्ष्य पूरा किया। यशस्वी ने छक्के के साथ अपना शतक भी आज पूरा कर लिया। 10 विकेट से भारत की जीत हुई शानदार जीत रही। यशस्वी ने 113 गेंद पर 105 रन बनाए जबकि दिव्यांश ने 99 गेंद खेलकर 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। पाकिस्तान ने दोस्तों पहले टॉस जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। 43.1 ओवर में पाकिस्तान के सभी विकेट खो गए थे और 172 रन पर पाकिस्तान सिमट गया था। तब भारत के सामने टारगेट था 173 रन का। पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन रोहेल नजीर ने 62 रन बटोरे थे। हैदर अली ने 56 रन की पारी खेली जबकि मोहम्मद हारिस ने 21 रन का योगदान दिया। इनके अलावा बाकी के 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए। भारत की ओर से सुशांत मिश्रा को 3, कार्तिक त्यागी और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट और यशस्वी जायसवाल और अर्थव को 1-1 विकेट मिला। वहीं दोस्तों, जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को पहला झटका पारी के दूसरे ओवर में ही लग चुका था। मोहम्मद हुरेरा को सुशांत मिश्रा ने 4 रन के निजी स्कोर पर दिव्यांश सक्सेना के हाथों कैच आउट करवा दिया था। भारत को दूसरा विकेट रवि बिश्नोई ने दिलाई। फहाद को उन्होंने अर्थव अन को लेकर के हाथों कैच करवाया। पाकिस्तान टीम के सलामी बल्लेबाज हैदर अली ने 70 गेंदों में 9 चौकों की मदद से अर्धशतक जड़ा। हालांकि 56 रन के निजी स्कोर पर भी यशस्वी जायसवाल की गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हो गए। कुल मिलाकर के दोस्तों मैच बहुत ही अच्छा रहा। भारत की जीत हुई शानदार जीत रही। चाहे मैच बली छोटा हो बड़ा हो, गेम छोटा हो बड़ा हो, दोस्तों जीत की खुशी तो जीत की खुशी ही होती है। इसलिए हम सभी इंडियंस का दिल वाकई में आज खुश है भारत पाकिस्तान के बीच इस मैच की जीत को देखकर। और इसके अलावा भी आपको पता होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ODI सीरीज शुरू होने जा रहे हैं। उनके सभी के पल पल के लाइव अपडेट्स आपको DLS न्यूज के ऊपर मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।